महाशिवरात्रि की बड़ी मजेदार कथा है। कथा देखिए सूचक होती है, ये सब एग्जाम्पल्स होते हैं। एक भील था, बड़ा निडर, बड़ा ही दुर्दांत भी कहेंगे, किसी का भी मार मूर करके पशु पक्षी इत्यादि का, किसी व्यक्ति का धन लूट के परिवार पालता था। और एक समय ऐसा आया कि जंगल के जानवर उसे पहचानने लग गए, तो उस भील ने जाना कि मुझे सारे जानवर पहचानने लगे, बड़ी मुश्किल हो गया यार, क्या करें यार, कैसे मैं किसी को मार मूर के ले जाऊं, आज परिवार का पेट भरूं। तो संजोग की कथाएं हैं, कहानियां हैं कि वो एक संजोग की ऐसी रात थी कि अभी फागुन मास गया है हमारा, महाशिवरात्रि गई है 8 मार्च की, तो फागुन मास के ऐसे ही चतुर्दशी के दिन वो निकला घर से कि आज मैं यार बड़ा सा शिकार लेकर आऊंगा और आज रात तो हम पार्टी करेंगे, कल अमावस है, कल शिकार पर नहीं जाऊंगा, अंधेरा होता है, थोड़ा सा चांद है, जंगली जानवर मुझे पहचानने लगे हैं। तो उसने कहा यार इलाका कौन सा ढूंढूं, यार वो एक मंदिर है वहाँ शिवजी का बना हुआ, वहाँ ना सरोवर है छोटा सा, जानवर वहाँ पानी पीने आते हैं, बाकी तो मुझे पहचान लेते हैं, तो मैं ना उसके ऊपर का पेड़ है वहाँ छुप जाता हूँ। तो शिवलिंग के ठीक ऊपर बेलपत्र का पेड़ था, बेलफल, बेल, बेल का पत्र कहते हैं, शिवजी को बहुत प्रिय है। अच्छा, शिवजी को क्यों प्रिय है, ये अकेला बेलपत्र का ऐसा वृक्ष है, इसके पत्ते 3 होते हैं एक साथ, कमाल का है ये, 3 का मतलब क्या हुआ, त्रिगुणात्मक, रजोगुण सत्वगुण तमोगुण, यानी इदा पिंगला और सुषुम्ना, यानी सब कुछ है, जहां यस नो और न्यूट्रल सब कुछ है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। तो उस पे चढ़ गया वो, धीमी धीमी बारिश थी, बहुत हल्की हल्की, तो सौंधी सौंधी खुशबू चल रही थी, वो चढ़ा पेड़ पे, कहानियां बड़ी स्वीट होती हैं, ये बनाने का तरीका है सूचक सिंबॉलिक। तो वो ऊपर चढ़ा, उसने देखा यार पंछी पक्षी कोई नहीं आ रहा, मुझे लगता है कोई जानवर ही मारना पड़ेगा, क्योंकि धीमी धीमी बारिश है, अब पानी पीने तो कोई आएगा सरोवर पे। समय का चक्र ऐसा चला के रात्रि का वो प्रथम प्रहर आ गया, जब शिवजी नीचे की ओर उतरते हैं, शिवजी नीचे क्यों उतरते हैं बात रहती है, अभी करेंगे, चित्त को पूरा करेंगे पहले। तो उसने बड़ी विचित्र स्थिति आभास महसूस की यार, बड़ा अजीब अजीब सा महसूस होने लगा, क्योंकि जब वो शिव तंत्रिका आपकी कुंडलिनी को हिलाने आती है तो आप में बड़े विचित्र विचार आते हैं, हमारा अपने विचारों पे काबू नहीं है, अचानक ज्ञान होता है किसी दिन। तो अचानक से उसको लगा यार मैं क्या कर रहा हूँ यार, और पेट की भूख कह रही है, बच्चे कह रहे हैं, बीवी कह रही है कुछ लाओ, एक पंछी मिल जाता तो कितना आसान था, थोड़ा ही सही पेट भरते। अचानक देखा एक हिरणी आ गई, उसने कहा वाह यार मजा आ गया, अब आएगा मजा। हिरणी पानी पीने के लिए पास आई, उसने अपना धनुष पे तीर लगाया, उसी दौरान कहानियां बड़ी सुंदर होती हैं, बेल के पत्ता 3 पत्ते टूटे और साथ में जल था, वो शिवलिंग के ऊपर आके गिर गया उसके हिलने से। तो प्रथम प्रहर पे एक्सीडेंटली उससे भक्ति हो गई, प्रथम प्रहर की पूजा कही जाती है, शिव को यही प्रिय है, कैसे होता है अभी बात करेंगे। और हिरणी उस हरकत से हिल गई और बोली उससे कि अरे बहेलिए तुम शिकारी हो, तुम तो वही शिकारी हो जो सबको मारता रहता है, तुम अब क्या चाहते हो। बोले ऐसा है मेरे बच्चों को आज भोजन नहीं मिला है, मैं तुझे मारूंगा खाऊंगा। बोले मेरा जीवन धन्य हो जाएगा आज, उसे ज्ञान था आज महाशिवरात्रि, बोले मेरा जीवन धन्य हो जाएगा यदि मेरा शरीर इसके काम आए, तेरे काम आए आज तो आनंद आ जाएगा, लेकिन मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ। बोले बोलो, मेरे ना बच्चे हैं, उनको मैं कम से कम अपनी बहन को और उनके पति को सौंप पाऊँ, बड़ा कठिन होगा, अगर माँ मर गई तो क्या सोचेंगे, कितना जटिल होगा। तो बोला नहीं ऐसे थोड़ी होता है, तू भाग जाएगी। बोले मैं प्रार्थना करती हूँ और तुम्हें निश्चित तौर पर संकल्प सहित प्रतिज्ञा करके जाती हूँ कि यदि मैं ऐसा ना करूँ तो मुझे इस जन्म भर का सारा पाप लगे और मैं बार बार इसी योनि में भटकती रहूँ। उसने कहा चल यार ऐसा ही सही, कोई नहीं देख लेते थोड़ी देर में। वो चली गई तो बड़े उदास मन से कि मेरे बच्चों से अब मैं ना मिल पाऊंगी, गलती से रास्ता भटक गई और कहीं और निकल गई। उसकी बहन परेशान हुई कि पानी पीने गई थी यार, बच्चों को छोड़कर ये क्या हुआ। तो दूसरी हिरणी थोड़ी देर में ढूंढती ढांढती आ गई मैं सरोवर तक, सोचा चलो पानी ही पी लूं। उसने शिकारी ने कहा यार बड़ी अजीब बात है, पहले वाली हिरनी आई नहीं, चल दूसरी सही, ये लेकिन बड़ी कमजोर सी है यार, चलो काम चला लेंगे, अब क्या करेंगे, और रोटी खाने वाली बात है, हमारे को तो मांस ही भक्षण करना होता है। उसने जैसे ही तीर कमान उठाया, बेल का एक पत्ता और टूटा, वो शिवजी पे गिरा और थोड़ा सा पानी गिर गया, वो रात्रि के दूसरे पहर की पूजा हो गई।
बड़ी बेवकूफाना कहानी लगती है कि ऐसा कैसे होता है यार, ऐसे थोड़ी होता है। पर इसका सूचक समझेंगे अभी हम, सिंबॉलिक क्या है। फिर हिरनी बोली, अरे शिकारी तुम, अच्छा तुम मुझे मारना चाहते हो, मेरा जीवन तो धन्य हो जाएगा इस बात से, लेकिन मुझे सिर्फ एक प्रश्न का उत्तर दे दो, मेरी बहन नहीं मिल रही मुझे, उसके बच्चे मेरे पास हैं, अब मैं छोड़कर आई हूँ अपने पति के पास, बड़ी समस्या हो गई है। तो उसने कहा हाँ आई थी वो पानी पीने, बोल के गई थी कि मैं आ रही हूँ, आएगी नहीं लगता है। वो बोले नहीं वो झूठी नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, अगर वो आएगी तो वो चिंता में गई होगी, पता नहीं क्यों लंबा रास्ता लिया, कहाँ गई, बड़ी कठिनाई है। बोले तो फिर तुझे मारूंगा। नहीं मुझे मत मारो, मैं तुम्हें प्रतिज्ञा करके जाती हूँ, मुझे एक बार अपनी बहन को देख लेने दो, उसके बच्चों के लिए और अपने पति को बताओ, कहीं बहन मेरी बच्चों के वियोग में दुखी होकर कहीं मरी ना गई हो, बेहोश ना पड़ी हो, मैं चेक करके आ जाती हूँ, मैं आऊँगी जरूर, तो प्लीज़ मेरे पे दया करो, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम कई जन्म जन्मांतर तक सुखी रहोगे, मेरे को इस मृत्यु का मिलने का तुम्हारे द्वारा तुम्हें दोष नहीं लगेगा। शिकारी ने कहा भाई जल्दी आना, भाई तो बड़ी दिक्कत है तुम्हारे, तो अजीब कहानियाँ हैं, फटाफट जा गया बोल के आ। वो चली चल पड़ी, इतनी देर में वो पहली वाली जो बहन थी वो चली गई, वहाँ देखा तो उसकी बहन का पति हिरन वहाँ बच्चों की देखरेख में था। बोले क्या हुआ? बोले ऐसे ऐसे मेरा शिकारी का मुद्दा मिल गया, पता नहीं मैं रास्ता भटक गई, क्या हुआ, मेरे बच्चे सुरक्षित है? बोले हाँ हम तो ध्यान दे रहे हैं। बोले तो वो कहाँ गई? बोले वो तो चली गई तुझे ढूंढने। बोले अरे शिकारी उसे ना मार दे, ये तो बड़ा गड़बड़ अनर्थ हो जाएगा, मैंने तो प्रतिज्ञा की है, अब मेरे को भी मरना जरूरी है। उसने कहा मैं फटाफट दौड़ के जाता हूँ, उसको सचेत करता हूँ और लेकर आता हूँ, तू यहीं बैठ। अब भागा, इतनी देर में जो दूसरी बहन थी वो वापसी की ओर चलने लगी। जब वो घूम फिर के पहुंची तो वो ढूंढता ढांढता उसे पता नहीं कहाँ घूमते घुमाते आया सरोवर तक, लास्ट में पहुंचा। अब शिकारी ने देखा अरे हट्टा खट्टा हिरन है, ये तो मज़ा आ जाएगा, आज इसकी बलि चढ़ाते हैं अपने लिए और मज़ा आएगा, इसका तो गोश्त खाएंगे, वाह स्वाद आ गया। फिर वही कहानी, जैसे ही उसने तीर चढ़ाया फिर एक पत्ता गिरा, पानी गिरा शिवलिंग के ऊपर और शिव जी के तीसरे प्रहर की पूजा हो गई। अब वो फिर हिल गया, बोले अरे तुम, बोले मुझे मार लेना कोई बात नहीं, मेरा यदि ये जन्म इस तरह से ही काम आता है कि आज की शुभ रात्रि के अंदर ऐसी स्थिति बन सके तो मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा और मैं अपने आप को समर्पित करने को तैयार हूँ, सिर्फ इतना बता दो मेरी बहन का और मेरी पत्नी का क्या। बोले ऐसी ऐसी कहानी थी, दोनों वादा करके गई थी। बोले ये तो बड़ी समस्या होगी, वो संकल्प करके गई आएंगी तो ये तो आएंगी जरूर, अब तो मुझे ले जाएगा और वो रह गई तो वो तो इस चीज़ में जी ही नहीं पाएंगी कि संकल्प पूरा नहीं किया। बोले यार अजीब कहानी है तुम्हारी, इतने पढ़े लिखे हो तुम लोग, अब तेरा क्या करूँ। बोले मैं तुम्हें वादा करके जाता हूँ, पूरा संकल्प प्रतिज्ञा है मेरी कि मैं आऊँगा जरूर और तुम चुन लेना तुम्हारी जो इच्छा हो, एक बार मैं सुरक्षित कराऊँ उनको और उनको बोल दूँ कि तुम दोनों नाहक एक दूसरे के लिए कुर्बान हो रही हो, तबाह हो रही हो, मैं तुम्हारे लिए मरने को तैयार हूँ। कहता फटाफट आइयो, लेकिन मेरे को हर कोई बुद्धू बना रहा है, मैं फटाफट बस जल्दी लेट नहीं करना है, चला गया। जब वहाँ पहुँचा तो तीनों मिल गए, उन्होंने कहा तो बड़ी अजीब स्थिति है, अब जाना तो पड़ेगा। बोले मैंने प्रतिज्ञा की, मैंने की, मैंने की भी की है। बोले बच्चों को पड़ोसियों के यहाँ छोड़ दिया। बोले अब तुम यहीं रहो, हमें जाना है, चूज करेगा वो जैसी उसकी मन की इच्छा, और अब प्रतिज्ञा पूर्ण करते हैं। तीनों आ गए वहाँ, वही चौथे प्रहर की कहानी, वहीं उसने धनुष उठाया, फिर पत्ता गिरा, शिव जी पूर्ण प्रसन्न हो गए। बोले कमाल हो गया, शिव ने कहा ऐसा भक्त नहीं देखा मैंने, इसलिए शिव को कहते भोला, उसे कोई लेन देन नहीं है। और अचानक ही उसकी शिव प्रेरणा से उसके मन में हिंसा, उसके मन में असत्य, उसके मन में लोभ, उनको मारने की इच्छा सब समाप्त हो गई। परिवर्तन उतारे देवे अचानक, कैसे हम किसी से प्रेम कर लेते हैं, कैसे किसी से नफरत, कैसे हम क्षमा करें हमें पता ही नहीं, अचानक से वो फीलिंग आई और उसने कहा यार मैं नाहक इनको मार रहा हूँ, ये क्या कर क्या रहा हूँ, अपनी भूख के लिए मैं पत्ते वगैरह फल इत्यादि भी तो खा सकता हूँ, आखिर क्यों मारना चाहता हूँ मैं इनको। अब वो तीनों नीचे बैठ के कहें जी हमें मुक्त करो, अब हम क्या करें। फिर शिव जी से उन्होंने गुहार लगाई है, हे प्रभु आप ही कुछ करो, हम तो प्रतिज्ञाबद्ध हैं। फिर कथा इस प्रकार है कि शिव जी ने अपने दर्शन दिए दिव्य रूप के, उसका भी जीवन सफल किया है, हिरण हिरणियों के पूरे परिवार को भी इस योनि से मुक्त किया और उनका जीवन मोक्ष की ओर बढ़ा। अब कहानी का तत्व क्या है कि आपके शिव तत्व जब नीचे की ओर आए हैं तो आपके लिए उस शिव तत्व को पूर्ण सजगता से शक्ति से मिलने देना है। उस दौरान में क्या क्या नहीं करना है, आपके अपने चित्त को व्यवस्थित करना है, क्योंकि ये चित्त आपके काबू नहीं है, अपने आप चलता है।